क्या आप जादू में विश्वास करते हैं? प्रवीण तांबे जी की कहानी कुछ इस तरह ही जादुई है। सामान्य जिंदगी में मन में हम जिस बात की गांठ बांध लेते हैं, उसी गांठ को खोलने का काम प्रवीण तांबे जी करते हैं। उसके आगे जाके जो कुछ हासिल करते हैं वो कुछ जादू से कम नहीं है। प्रवीण तांबे 40 की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। जिस उम्र में रेगुलर क्रिकेट के खिलाड़ी क्रिकेट खेलना बंद कर देते हैं, ये कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरह से ये जादू चल गया? एंड तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ रवि। सर्व फिल्म रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम कौन प्रवीण तांबे इस फिल्म के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं फिल्म में काम करने वाले एक्टर के ऊपर। मराठी एक्टर श्रेयस तलपदे ने इस फिल्म में प्रवीण तांबे जी का रोल अदा किया है। 40 की उम्र में इस क्रिकेटर ने IPL से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना करियर चालू किया। उनका मकसद कभी पैसा कमाना नहीं था, उन्हें सिर्फ रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में खेलना था। जयप्रद देसाई की एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो संभावनाओं में विश्वास करने की सीख देती है। यह जिद्दी दिल की कहानी है जो सभी रुकावटों को पार कर जाती है। इस फिल्म की शुरुआत मिस्ट्री मैन के बैक शॉट से शुरू होती है। परमव्रत चट्टोपाध्याय है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और आपको सब पता चलता है कि ये दिन कहाँ से थे और क्यों थे। फिल्म की कहानी का प्लॉट और 90 के दशक में घटी प्रवीण तांबे जी की जीवन पर आधारित घटनाओं का जिक्र है। दंगल और बाकी के स्पोर्ट ड्रामा से बचते हुए डायरेक्टर ने इस फिल्म में ड्रामा से भरे हुए क्लाइमैक्स नहीं दिए। किरण यज्ञोपवीत ने तकनीकी चीज़ों के ऊपर भावनात्मक घटनाओं को ही अहमियत दी है। बेहतर होता अगर राइटर डायरेक्टर इस फिल्म में क्रिकेट में होने वाली राजनीति को दिखाते जो सच सरेआम है। इसके बाद प्रवीण तांबे जी की खुद की नैतिक दुविधाएं, बूढ़ी माँ की चिंता, पत्नी 3 बच्चों की परवरिश, इन बात जगह दी जा सकती थी। परंपरा से हटकर कहानी बताने की कला होती है। इस फिल्म में इस बात को जरूरत तौर पर न्याय दिया जा सकता है। आइए बात कर लेते हैं इस फिल्म में काम कर चुके एक्टर के बारे में। शेष तलपदे। हिंदी सिनेमा जगत में शेष तलपदे की एंट्री इकबाल इस स्पोर्ट ड्रामा फिल्म से हुई थी। वो एक जुझारू और अच्छे काबिल एक्टर है। मराठी होने के नाते मुंबईकर की लाइफ की सहजता पर्दे पे लाने में शेष तलपति कामयाब रह चुके हैं। परमव्रत ने हाल ही के वर्षों में एक्टिंग के तौर पे खुद को इस तरह साबित कर दिया है कि दिल में सहज कर रखना चाहो और इस फिल्म में ग्रे शेड में सबको चौंका देते हैं। आशीष विद्यार्थी जी इस फिल्म में एक ऑफबीट कोच की भूमिका में नजर आते हैं। यह कैरेक्टर ना कि ब्लैक है न व्हाइट है। फिल्म में श्रीमती तांबे जी का कैरेक्टर निभा रही अंजलि पाटिल एक सहज और आत्मविश्वासी अवतार में नजर आते हैं। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस काव्य पंक्तियों को शेष तलपदे की कौन प्रवीण तांबे इस फिल्म में साकार होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो फिल्म अच्छी बनी हुई है और अपने सपनों का पीछा करने वाले लोगों को आशा देने का काम ये फिल्म करती नजर आती है। फिल्म में एक जगह आशीष विद्यार्थी जी ने भी कहा है, लाइव हो या मैच एक अच्छी ओवर मिलनी जरूरी है। वैसे ही अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हमारा भी ये चैनल आगे बढ़ता रहेगा। मेरी इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। हमारे आपकी मुलाकात बार बार होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।